हेलो डिजिटल यूनिवर्स, कैसे हो आप सब। सो फाइनली आपके भाई ने सारे पॉसिबल वे से सैमसंग गैलेक्सी M30 की टेस्टिंग कर ली है, जो कि मैं पास 7 डेज से ऐसा प्राइमरी डिवाइस यूज़ कर रहा था। सो आज मैं आपको एक क्लियर कट और आपको इसकी रियलिटी के बारे में बताऊंगा। सो दोस्तों, देर से बात की, शुरू करते हैं अपनी झकास और तोड़ू वीडियो को इसकी परफॉर्मेंस के साथ। जैसा कि आपको पता होगा, इसमें आपको सैमसंग का एक इग्नोस 96 डबल देखने को मिलता है, जो कि 10 nm टेक्नोलॉजी और बेस है। अगर मैं कंपेयर करूँ स्नैपड्रैगन से, तो आपको 675 या 710 जैसा प्रोसेसर मिलता है। हाँ, बट मैं बोलना चाहूँगा कि परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग के इंजीनियर्स ने इसको काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है। अगर बात करें GPU की, तो आपको मिलता है Mali G72। अगर बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो मैंने PUBG और COD दोनों गेम्स में खेल रखे हैं, बट मोस्टली लोग PUBG खेलना पसंद करते हैं और मैं भी PUBG खेलना पसंद करता हूँ, इसलिए बात करते हैं PUBG के बारे में। अगर बात करें PUBG लोडिंग टाइम की, तो आपको लगता है 40 सेकंड का। वहीं अगर बात करें PUBG सेटिंग की, तो आप HDR सेटिंग तक खेल पाओगे। इसके अलावा अल्ट्रा HD में अनेबल दिखाई देता है। वहीं अगर बात करें HDR सेटिंग की, तो वहां पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप और हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं। अगर बात करें HD सेटिंग की, तो वहां पर परफॉर्मेंस बेटर है, बट हाँ, आपको स्मूथ गेम प्ले देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग स्मूथ एंड बैलेंस सेटिंग पर आप अच्छा PUBG एक्सपीरियंस ले पाओगे, बट अगर आप 1 hour से ज़्यादा गेम खेलोगे, तो आपको हीटिंग इशू देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करें ग्राफिक्स की, तो हाँ, आपको ठीक ठाक मतलब यार नॉर्मल ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसे कैमरा की। तो मेरे को इसके नाइट मोड और इसके लाइव फोकस मोड में थोड़ी कमी देखने को मिली है। जहाँ लाइव फोकस मोड में ये बैकग्राउंड को सही से ब्लर नहीं करता है, और नाइट मोड में आपको थोड़ा सा लाइटिंग इशू मतलब कभी कभी फेस में उतनी क्लियरिटी देखने को नहीं मिलती है, बट इसे टेली कैमरा और सिनेमैटिक विजन ने मेरे को काफी इंप्रेस किया है। मैंने इसे कैमरा के ऊपर वीडियो बना रखा है, जो कि आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको AI इमेजेस का ऑप्शन मिलता है, आप फ्री टाइम में AI बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, जो कि मेरे को काफी कूल बात लगी। वहीं आपको वीडियो कॉल में भी AI इमेजेस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पर्सनली मैं काफी ज्यादा यूज करता हूं। सो अगर बात करें ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस की, तो हाँ, डे लाइट में आपको पंची कलर देखने को मिलते हैं, जो कि काफी लोग पसंद आएंगे और काफी लोग पसंद नहीं आएंगे। इस फोन में आपको मिलती है 6000 mAh की ह्यूज बैटरी, जो कि वेल ऑप्टिमाइज्ड है। अगर बात करें हम इसके बैटरी बैकअप की, तो ये आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप देती है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर हम बात करेंगे इसकी चार्जिंग की, तो ये आपको 25 W के चार्जर के साथ अवेलेबल है, जो कि सैमसंग ने इस रेंज में पहली बार अवेलेबल कराया हुआ है। इस फोन को चार्ज होने में 1.5 hours लगते हैं, जो कि सैमसंग के पिछले फ़ोनों से काफ़ी अच्छा है। इस फ़ोन में आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका नोटिफिकेशन पैनल देखेंगे, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है क्विक शेयर का ऑप्शन, म्यूजिक शेयर का ऑप्शन मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है आपको वहाँ पे, और इसमें QR कोड स्कैनर भी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी यूजफुल साबित होता है कई टाइम। अगर इस फ़ोन के सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये एंड्रॉयड 10 के साथ अवेलेबल है। इसमें सैमसंग की One UI 2.1 यूज़ हुई है, जो कि काफ़ी रिच एक्सपीरियंस देती है आपको। इस फोन के साथ आपको मिलता है डिस्कवर फीचर, जो कि मुझे तो यूजलेस लगा। और अगर बात हम करें इसके सिक्योरिटी की, तो ये आपको नॉक सिक्योरिटी के साथ मिलता है, मगर इसमें आपको सिक्योर फोल्डर सैमसंग गैलेक्सी A31 की तरह नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगता है यहाँ पर। अगर हम बात करें इस फोन की डिस्प्ले की, तो ये आपको मिल जाती है 6.5 inches की डिस्प्ले के साथ, जो कि फुल HD प्लस सुपर AMOLED के साथ साथ वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो कि Amazon प्राइम और Netflix के HD वीडियोस देखने में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। अब बात करते हैं इस फोन के लुक्स और डिज़ाइन की। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। इसका मटेरियल जो यूज़ हुआ है, वो पॉलीकार्बोनेटेड है, जो कि सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि प्लास्टिक है। मगर इसका अगर आप बैक साइड देखेंगे, तो इसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है और शाइनी फिनिश है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मगर इस फोन को आपको विद कवर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेटेड होने की वजह से इसमें स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। इस फोन के साथ आपको डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर मिलते हैं, जो कि डिसेंट क्वालिटी का साउंड आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं स्पीकर पे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इसमें। और अगर हम बात करें इसके सेंसर्स की, फिंगरप्रिंट सेंसर इसके काफ़ी इफेक्टिव हैं, जो कि सैमसंग के बाकी फोनों से काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। और हम बात करें इसके फेस अनलॉक की, तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव है, काफ़ी फास्ट है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इफ योर हार्ट सेज। ना भी करे तो भी कर देना, क्या जा रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।